सिचुएशन बिगड़ चुकी है। नरेंद्र मोदी जी इतना कैंपेनिंग कर रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में स्थिति अच्छी नहीं है। तीसरी बात यह है, मैं सारे आपके सामने मुद्दे उठा रहा हूं कि सिंपथी फैक्टर है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि आपने इतनी निर्ममता के साथ उनको तोड़ दी, विद सच ब्रूटैलिटी यू ब्रोक देम, कि लोग कह रहे हैं ये तो बुरा हो गया। तो फडणवीस जी, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन दिस टाइम? होल नेशनल नैरेटिव फोकस इज महाराष्ट्र वंस अगेन, बिकॉज पीपल फील बीजेपी कैन नॉट गेट 40-41 सीट्स दिस टाइम। देखिए, लोग कुछ भी कहे, पॉलिटिकल पंडित्स कुछ भी कहे, महाराष्ट्र ने लगातार दिखाया है कि महाराष्ट्र मोदी जी के साथ ही जाता है। और मैं आपको वापस कह रहा हूँ, ये सारे पॉलिटिकल पंडित्स को हम झूठा ठहराएंगे। और महाराष्ट्र में हमने जो परफॉर्मेंस 14 में दिया, हमने जो परफॉर्मेंस 19 में दिया, उस परफॉर्मेंस को हम रिपीट करने जा रहे हैं और 40 प्लस हम लोग सीटें लेकर जाएंगे। 40 प्लस सीटें आप कह रहे हैं? 2019 में मुंबई में 6 में से 3 सीट्स आपकी थी और शिवसेना को दूसरे अलग जो बाकी 3 सीट से उन्हें मिली थी। 2019 में बीजेपी को 27.8 यानी कि करीब 28% वोट शेयर मिली थी, मगर जो शिवसेना थी, जो अभी उद्धव की शिवसेना थी, उनको 23.5% मिला था, एनसीपी को 15.7। तो ये तो नंबर्स है ना, ये नंबर्स तो आप डिनाई नहीं कर सकते, ये 23% से 5% तो होने वाले नहीं है। आपकी क्या उम्मीद है वोट शेयर के, इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर? देखिए, पहली बात तो ये है कि पॉलिटिक्स में 1+1 2 भी होता है, 1+1 11 भी होता है, 1+1 0 भी होता है। तो इसलिए पुराने परसेंटेज पर जाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का खुद का वजूद बड़ा है, खुद की ताकत बड़ी है, हमारा परसेंटेज बड़ा है, हमारे साथ में शिवसेना आई है एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, उसका वोट हमारे साथ ऐड होगा, एनसीपी हमारे साथ आई है, उसका वोट हमारे साथ ऐड होगा, हम तीनों मिलाकर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हम पाएंगे। और जहाँ एनसीपी लड़ रही है या जहाँ शिंदे जी की शिवसेना लड़ रही है, वहाँ पर हमारे वोट्स ये उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे और उसके कारण उनकी भी सीटें चुनकर आएगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी ने बार बार ये दिखाया है कि चुनाव ये केवल पॉलिटिकल अर्थमेटिक नहीं है, ये एक प्रकार से चुनाव में पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी बड़े प्रमाण में काम करती है। और पॉलिटिकल केमिस्ट्री ये मोदी जी के साइड है। मुंबई तो मोदी जी को बहुत मानता है, मैं तो ऐसा कहूंगा कि मुंबई करो के मन में मोदी जी है। मगर आप डिफेंसिव तो हैं, आप इस बार डिफेंसिव हैं, सब लोग कह रहे हैं, जितने एनालिस्ट हैं आपके शुभचिंतक है कह रहे हैं इस बार अप्रोच महाराष्ट्र में कि देवेंद्र फडणवीस की पुरानी अग्रेशन नहीं है, इस बार वो डिफेंसिव है। उन्होंने कहा कि आपने इंटरव्यू दिया इंडियन एक्सप्रेस में जहां पे आपने कहा वी आर ओनली ट्राइंग टू इंश्योर वी डू नॉट विन लेस देन व्हाट वी हैव, ये डिफेंसिव स्टेटमेंट है। आप आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं रिटेन कैसे की जाए। देखिए, कोई कुछ भी इंटरप्रेट करे, डिफेंसिव होने लायक हमारे पास कुछ नहीं है, उल्टा बाकी पार्टियां डिफेंसिव है। हम लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस क्या छापता है, कोई क्या इंटरप्रिटेशन करता है, इट इज़ देयर इंटरप्रिटेशन, बट मैं ये कहता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, 108 रैलियाँ मैं कर चुका हूँ, महाराष्ट्र घूम चुका हूँ, लगातार घूम रहा हूँ, और लोगों का जो प्यार मोदी जी के प्रति दिखाई पड़ता है और मोदी जी को वोट देने की जो ललक दिखाई पड़ती है, मेरा पूरा विश्वास है कि चाहे कितना नरेटिव फैलाने का प्रयास किया जाए, चाहे कितनी गंदी बातें इंडिया अघाड़ी के लोग, उद्धव ठाकरे जी या उनके साथी बोल दे, लोगों पर परिणाम नहीं होगा, लोग मोदी जी के साथ जाएंगे। पर मोदी जी पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं आप। छगन भुजबल कहते हैं महाराष्ट्र इज नॉट अ केक वॉक फॉर बीजेपी, पर पीपल विल चूज मोदी, यानी कि पूरा प्रेशर क्या मोदी जी पर है, क्या ये सही बात है?
क्या ये अच्छी बात है सारा प्रेशर और एक्सपेक्टेशन सिर्फ नरेंद्र मोदी पर? देखिए सवाल ये है कि मोदी जी हमारे नेता है, लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, लोग मोदी जी के काम पर वोट दे रहे हैं, लोग मोदी जी के ट्रैक रिकॉर्ड पर वोट दे रहे हैं, लोग मोदी जी हमारा भविष्य सवार रहे हैं इस आधार पर वोट दे रहे हैं। तो ऐसे समय निश्चित रूप से मोदी जी ये फोकल पॉइंट तो होंगे ही। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में चार चरण में चुनाव थे, दो चरणों के बीच केवल तीन तीन दिन का समय था, इस बार पांच चरणों का चुनाव है, कई चरणों के बीच सात सात दिनों का अंतर है, इसलिए हमको भी ये मौका मिला कि हम मोदी जी को पिछले समय 12-13 बार बुलाया था, इस बार हमने 16-17 बार मोदी जी को बुलाया। और साथ साथ हम लोगों ने ये भी इंश्योर किया इस समय कि केवल बीजेपी नहीं तो इंडिपेंडेंटली हमारे साथियों के क्षेत्र में भी मोदी जी की सभाएं हो, वो सभाएं भी हमने की। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि केवल महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में चुनाव तो मोदी जी के नाम पर और मोदी जी के काम पर ही चल रहा है। अगर देखिए महाराष्ट्र में बहुत लोग रिपब्लिक भारत देखते हैं देवेंद्र जी, बहुत व्यूअरशिप है हमारी, और एक सवाल महाराष्ट्र से आती है कि जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, मराठा पोलराइजेशन है, इन मुद्दों पर वोटिंग हो सकती है, मगर मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि पीओके, राम मंदिर, क्या ये मुद्दे हैं या फिर महाराष्ट्र में फार्मर्स की कठिनाई या मराठा इशू, पोलराइजेशन, क्या ये मुद्दे हैं? क्या आप लोकल मुद्दों को बिल्कुल ही साइड स्टेप कर सकते हैं देवेंद्र जी? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई भी चुनाव का एक मुद्दा नहीं होता, कई मुद्दे इसमें हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आज किसानों के सामने निश्चित रूप से कुछ तकलीफें महाराष्ट्र में खड़ी हुई है, क्योंकि बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई है, हम लोगों ने उनको मदद भी की है, कुछ प्याज का भी प्रॉब्लम खड़ा हुआ था उसको भी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो किसानों के मुद्दे तो रहेंगे ही, बाकी भी जो मुद्दे हैं चाहे वो आरक्षण के मुद्दे हो या अलग अलग मुद्दे हो, ये मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन इन सब मुद्दों के बावजूद लोग बीजेपी को और हमारी महायुति को वोट करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को पता है तकलीफें हैं लेकिन तकलीफें छुड़ाने की ताकत और क्षमता ये भी मोदी जी में है, और मोदी जी के साथ जो काम करते हैं उस महायुति में ये क्षमता है, ताकत है, इसलिए लोग हमारे साथ है। और ये जो सारे मसले हैं इन मसलों को हल करने का लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और मैं ये पूरी ताकत के साथ कह सकता हूँ पिछली सरकारों से ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हमारा रहा है। एक कन्फ्यूजन होता है क्या देवेंद्र जी, खुलकर सवाल करना चाहता हूँ आपसे, आप बुरा ना माने, आपको बहुत समय से जानता हूँ तो थोड़ा लिबर्टी ले रहा हूँ मैं। देखिए देवेंद्र जी, बात यह होती है कि लोग कहते हैं पिछले चुनाव में हम क्लियर थे कि सेंटर के लिए मोदी और महाराष्ट्र के लिए देवेंद्र, ऐसा एक इमेज बन चुका था, और अभी लोग पूछ रहे ठीक है सेंटर में मोदी, मगर डबल इंजन की सरकार अगर बनेगी तो डबल इंजन की सरकार में महाराष्ट्र में कौन बनेंगे? एक स्पेक्युलेशन है कि आप प्रिंसिपल लीडर हैं, पर जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए तो एक क्वेश्चन मार्क है ना लोगों का, मतलब सिचुएशन सच सेम नहीं है। देखिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, अभी लोग सिर्फ मोदी जी की चिंता करें, मोदी जी को लाने की चिंता करें, और मोदी जी आएंगे, लोगों का आशीर्वाद है, एक बार मोदी जी आ जाए तो ये सारे बातों की चिंता है मोदी जी पर छोड़ दे, मोदी जी तय कर लेंगे या पार्टी तय कर लेगी। देखिए कोएलिशन की पॉलिटिक्स है, मगर इस पॉलिटिक्स में उस समय जब समय आएगा तो हमारे जो साथी है साथियों के साथ बातचीत करके ये भी फैसला ले लिया जाएगा। और वैसे भी आप लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे चुनाव में, अभी जो रिसेंट पास में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, इन सारे चुनाव में बिना निर्णय किए कौन नेता होगा इसका निर्णय किए बिना सारे चुनाव लड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पार्टी को लगेगा नेता तय करके लड़ना है तो नेता तय करके लड़ेंगे, पार्टी को लगेगा नेता तय करना है और वो नेता शिंदे जी होंगे तो उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, पार्टी को लगेगा कि नहीं चुनाव के बाद नेता चुनना है तो उस प्रकार से हम लड़ेंगे। देखिए उसकी चिंता हमको नहीं है,
हमको आज एक ही चीज की चिंता है, और चिंता का मतलब यह होता है कि मेहनत करने की चिंता है कि मोदी जी को वापस लाना है और लोगों का मन बनाए, इसलिए महाराष्ट्र से उसी प्रकार से पूरी ताकत देकर मोदी जी को हम लाएंगे। और आपके जितने शुभचिंतक है वो कह रहे हैं, और आपके बहुत शुभचिंतक है, पूरी मीडिया लगी हुई है, वो कह रहे हैं कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार नहीं करेगी, इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र पे होगी, देवेंद्र फडणवीस पे होगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने शुभचिंतकों को रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि मीडिया के भी शुभचिंतक है, पॉलिटिकल भी है, वो कह रहे हैं बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने बना तो दी, तोड़ तो दी, मगर बहुत टेंशन है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जो आपकी जो कोलिशन है टेंशन, उसमें बहुत टेंशन है। कोई टेंशन नहीं है अर्णब जी, जी कोई टेंशन नहीं है। वो हमारे जो आप कह रहे हैं, जो हमारे तथाकथित मित्र है, उनको ज्यादा टेंशन है कि हम लोगों ने इतना नरेटिव चलाने के बावजूद ये सरकार भी चल रही है, मोदी जी को लोग वोट भी दे रहे हैं, तो उन लोगों को ज्यादा टेंशन है। और आप चिंता मत कीजिए, उनका सबका टेंशन 4 जून को मैं निकाल दूंगा। 4 जून को जब एक बड़ी जीत होगी, उस समय निश्चित रूप से उनका भी टेंशन समाप्त हो जाएगा, और उनको ये पता भी चल जाएगा, आप कितना भी नरेटिव चला लीजिए, जनता के मन में मोदी है। ये कहते इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, मुझे पता नहीं कौन सी इंटेलिजेंस है, मुझे नहीं पता, मगर कहते हमने पढ़ी है, LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट्स है, 15 सीटें कम होंगी इस बार महाराष्ट्र में, उम्मीद है उनकी कि 15 सीटें कम हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की बात कर रहे हैं, वो शायद उनका अपना है या उनकी पार्टियों ने निकाला हुआ होगा। ऐसा कोई रिपोर्ट भी नहीं है, ऐसा रिपोर्ट होने का कोई कारण भी नहीं है। देखिए, ये सारे लोग अपने मन की शांति के लिए ये सारी बातें करते हैं, एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव बहुत कठिन हो रहा है, एक प्रकार से वो इस बात का फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसे जो ये रिपोर्ट की बात करने वाले लोग हैं, इनको मैं साफ बोल देता हूँ, आपकी कोई मंशा पूरी नहीं होने वाली, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ ही जाएगा। तो ये उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना बोलने की क्या जरूरत है देवेंद्र जी? प्रधानमंत्री उनको नकली शिवसेना क्यों कहते हैं? देखिए, नकली तो हो ही गई, क्योंकि इतने सालों तक हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे तमाम हिंदू बहनों भाइयों और माताओं ऐसी की। कल तक उद्धव ठाकरे भी अपने भाषण की शुरुआत करते थे मेरे तमाम हिंदू बहनों भाइयों और माताओं, लेकिन इंडी आघाड़ी की जो पहली सभा हुई, उस सभा में उनको सबने मिलकर कहा, उद्धव जी अपने को तो माइनॉरिटी के वोट चाहिए, ये हिंदू शब्द छोड़ दीजिए, और उद्धव ठाकरे जी ने वो शब्द छोड़ दिया। उस सभा के बाद वो हिंदू शब्द का उच्चारण नहीं करते, तो ये नकली शिवसेना हो गई। आज आप देखिए, उनके कार्यक्रमों में उनका मशाल चिन्ह है, उसके पटके पहन पहन कर अल्लाह अकबर के नारे लगते, उसके पटके पहन पहन कर टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगते, उद्धव ठाकरे बहुत खुश है, तो ये नकली शिवसेना हुई। तीसरी बात, सबसे भयानक बात यह है, अभी राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान से ट्वीट हुआ, केजरीवाल जी के लिए पाकिस्तान से ट्वीट हुआ, मैं समझता था इनसे कुछ अलग उद्धव जी होंगे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, वोटों के इतने लालची हो गए कि इनकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे, पाकिस्तान के झंडे, ये कैसे? और मुंबई के बम विस्फोट के आरोपी ये कैसे इनके स्टार प्रचारक है? नहीं नहीं, ये कैसे प्रचार कर रहे हैं? विस्तार पे बोलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, ठाकरे की शिवसेना नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, इसकी 100% नकली शिवसेना। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, इसकी तो कोई आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आपने कहा कि पाकिस्तान के झंडे लगते हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के झंडे लगाए जाते हैं? अभी पांच मिनट में आपको वीडियो भेज देता हूं, अभी 5 मिनट में आपको वीडियो भेज देता हूं, मेरे पास वीडियो तैयार है, मैं अभी मेरी ऑफिस को बोलता हूं, आप भी वो वीडियो दिखा दीजिए। और इतना ही नहीं, इसके आगे चलकर कहता हूं,
यह चुनाव में जीतने के लिए पूना में माइनॉरिटीज की एक पूरी तंजीम बुलाते, एक बहुत बड़ा उनका क्या कहते हैं, एक मेलावा बुलाते हैं और वहां पर पर्सनल लॉ बोर्ड के व्यक्ति आकर भाषण करते हैं और वह कहते हैं मोदी जी को हराना है, पार्टी मत देखो, उम्मीदवार मत देखो, सिर्फ मुसलमानों को उम्मीदवार है उसको वोट मत दो, जो मोदी को हरा सकता है उसको वोट दो। और फिर फतवा वहां पर निकलता है और कहते हैं यहाँ उद्धव ठाकरे को वोट दो, बारामती में सुप्रिया सुले को वोट दो, पूना में कांग्रेस को वोट दो। ये सारे जिन फतवों के खिलाफ उद्धव ठाकरे जी, आपके पिताजी ने, हिंदू हृदय सम्राट बड़ा साहब ठाकरे जी ने संघर्ष किया, उन्हीं फतवा वालों के हाथ में हाथ मिलाकर उनके गले आप मिल रहे हो। अभी आपको हमारी चिंता नहीं है, आपको देश के मेजॉरिटी की चिंता नहीं है, आपको चिंता केवल भाईजान की चिंता है, उसके गले आप मिल रहे हो। नहीं, मगर वो देखिए एक फीलिंग है कि कुछ भी हो, हिंदू कह देंगे, महाराष्ट्र के हिंदू कहेंगे ठीक है फतवा लग गई, पाकिस्तान के फ्लैग लग गए, आरोपियों के साथ कैंपेनिंग हो रही है, मगर जा के वही तो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं और देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहेब के बेटे को रुला दिया। वो रो रहे थे और उससे सिंपथी मिलेगी उनको, उनको भी पता है कि सिंपथी मिलेगी। देखिए ये जो इमोशनल अत्याचार चल रहा है, इन लोग भी जानते हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी ही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के बेटे हैं। लेकिन उत्तराधिकारी का जहाँ तक सवाल है, बाळासाहेब जी के संपत्ति के उत्तराधिकारी वो है, विचारों के उत्तराधिकारी अब वो नहीं रहे, क्योंकि बाळासाहेब ठाकरे जी ने स्पष्ट रूप से कहा था जिस दिन कांग्रेस के साथ जाने की नौबत मुझ पर आएगी मेरे शिवसेना का दुकान मैं बंद करूंगा। उसी कांग्रेस के साथ वो चले गए और हरे झंडे ले लेकर, पाकिस्तान के झंडे ले लेकर वो प्रचार करते। इसलिए मैं बहुत साफ शब्दों में आपको जवाब दे रहा हूँ, ये इमोशनल अत्याचार लोग नहीं सहन करने वाले, वो केवल संपत्ति के वारिस है, विचारों के वारिस एकनाथ शिंदे जी है। मगर देखिए आप भी तो कहते थे 2023 में मराठी में कहते थे आमचा सरकार आल्यांतर अजीत दादा चक्की पीसिंग, यानी कि हमारी सरकार आएगी तो अजीत पवार जी चक्की पीसेंगे। तो वो तो कहेंगे कि देखिए देवेंद्र फडणवीस भी तो अपना लाइन बदल रहे हैं, उन्होंने भी तो लाइन बदली। हाँ, आपने हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं बदली, मगर अन्य मुद्दों पर। अच्छा सवाल किया है मुझे जी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, ये बात मैंने कही थी 2011 में, जिस समय मैंने इरिगेशन का स्कैम निकाला था, उस समय मैंने बताया था कि देखिए ये स्कैम हुआ है, इस विभाग के प्रमुख अजीत पवार है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद उसकी तफ्तीश हुई, कई घोटाले निकले, कई लोगों को अरेस्ट हुई, चार्जशीट्स हुए, लोग कन्विक्ट भी हुए, और उसके बाद पद्धतियां भी बदली। जिस प्रकार से टेंडर निकलते थे वो पद्धतियां बदली, अपडेशन होता था वो पद्धतियां बदली, भ्रष्टाचार होता था वो पद्धतियां भी बदली। और उसके बाद आज 13 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अलग अलग प्रकार से जांच एजेंसियों ने जांच करने के बाद इतनी चार्जशीट्स रखी। एक चार्जशीट में उन्होंने ये कहा था कि अजीत पवार और सुनील तटकरे, इनका रोल इसमें क्या है ये अभी तक हमको मिला नहीं है, पर हम इसको ढूंढ रहे हैं, अगर इनका डायरेक्ट रोल मिलेगा तो हम रिवाइज चार्जशीट देंगे। वो रिवाइज चार्जशीट भी नहीं आई और किसी चार्जशीट में उनका नाम नहीं आया है। और आज ये भी वस्तुस्थिति है कि जिस प्रकार से हमारी पीठ में उद्धव ठाकरे जी ने खंजर घोपा, उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया कि पॉलिटिक्स में हमको कोई आइसोलेट करने की कोशिश करता है तो हमको जवाब देना पड़ेगा। हमने अपनी ताकत बढ़ाई और ताकत बढ़ाकर
जो हमारे साथ आए उनको हमने साथ में लिया है। क्या अजीत पवार जी आपके साथ हैं? बड़े रिपोर्ट आ रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से कि वो मिसिंग हो गए, वो नहीं आ रहे रैलीज में, वो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन नहीं कर रहे। क्या आपने कहा उनको दूर रहने के लिए कि क्या इतनी रिपोर्ट हो रही है कि अहम समय में अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं है, इसमें सच्चाई क्या है इसकी? ऐसा है, अजीत पवार उनकी पार्टी का कैंपेन करके हमारे भी कैंडिडेट्स के यहाँ गए, शिवसेना के भी कैंडिडेट्स के यहाँ गए। ये बात जरूर है कि 2 दिन अजीत दादा बीमार थे, अच्छा। इसलिए घर से बाहर नहीं निकले। तुरंत ठीक हुए तो कल से उन्होंने आना शुरू किया और आज भी हमारी कैंपेनिंग में वो है। अभी कोई बीमार पड़ जाता है तब भी इस प्रकार से स्टोरीज बनना चालू हो जाती है कि मानो वो घर पे बैठ गए, वो नाराज है। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी ताकत के साथ वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। राज ठाकरे को लाके कुछ फायदा होगा? देवेंद्र फडणवीस जी पॉलिटिकल फायर ब्रांड तो हैं, मगर शरद पवार कहते हैं इनकी कोई राजनीतिक अहमियत नहीं है, कोई पॉलिटिकल रेलिवेंस नहीं है, ऑन द ग्राउंड पॉलिटिकल रेलिवेंस नहीं है। देखिए, अगर राज ठाकरे जी का पॉलिटिकल रेलिवेंस नहीं होता तो पिछले समय शरद पवार जी प्रयास कर करके उनको अपने साथ नहीं ले जाते। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राज ठाकरे जी का एक अपना ऑडियंस है, एक अपनी उनकी शायद बहुत बड़ी नहीं होगी, एक मीडियम साइज की होगी, लेकिन उनकी अपनी एक वोट बैंक है और विशेष रूप से मुंबई में, पुणे में, नासिक में, थाने में, ये सब जगह पर उनको मानने वाले लोग हैं। दूसरा, राज ठाकरे जी एक ओपिनियन मेकर है, लोग उनको सुनते हैं, उनके बोलने पर अपना ओपिनियन तैयार करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने का निश्चित रूप से फायदा होगा। और चूंकि अब उन्होंने पवार साहब को छोड़ दिया है इसलिए पवार साहब को उनकी अहमियत नहीं लगती। तो ये आपने हिंदू मुस्लिम बात जो कही इस पर मैं और पूछना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस, आप क्लेम कर रहे हैं कि उद्धव सेना ऑल गन्स ब्लेजिंग गई है इस बार, किसी तरह से मुस्लिम वोट हमें मिल जाए, किसी तरह से हमें मुस्लिम वोट मिल जाए। आपने कहा कि देर इज मोर अपीजमेंट बीइंग डन इन द सेना देन द कांग्रेस, मतलब जितनी तुष्टिकरण कांग्रेस पार्टी करती है जो मुस्लिम कोटा की बात करती है उससे ज्यादा उद्धव ठाकरे बात करते हैं, मगर उद्धव ठाकरे ने तो अभी तक मुस्लिम कोटा की बात खुद से नहीं कही, कांग्रेस ने कही, उनके मैनिफेस्टो में भी कोई मुस्लिम कोटा की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी पॉलिटिकल कैलकुलेशन लगाकर बैठे हैं। उनके ये ध्यान में आया है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में उनके वोटों में टूट हुई है, मराठी माणूस मुंबई का उनसे दूर गया है और उनको लगता है कि ये डेफिसिट अगर भर के निकालना है तो केवल मुस्लिम वोट ये डेफिसिट भर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस से ज़्यादा अपीजमेंट उन्होंने शुरू कर दी है। देखिए, उनको सर्कस करनी पड़ रही है। एक और उनको लगता है कि कहीं मेरी हिंदू वोट बैंक, मराठी वोट बैंक ना टूट जाए, दूसरी ओर उनको ये लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक के सिवा तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, तो इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। मुझे बताइए, शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना के इतिहास में कभी किसी ने विचार किया था कि उर्दू में कैलेंडर छपेगा शिवसेना का और उस पर हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे नहीं, जनाब बाला साहब ठाकरे लिखा जाएगा? ये भी उद्धव ठाकरे के जमाने में हो गया। इसलिए अरे, कांग्रेसी तो थे ही अपीजमेंट वाले, तुष्टिकरण वाले, लेकिन अब उनसे ज्यादा तुष्टिकरण की होड़ में अगर कोई व्यक्ति घुसा है उस व्यक्ति का नाम श्रीमान उद्धव ठाकरे है। तब कह रहे हैं उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। हाँ बिल्कुल, आइडेंटिटी क्राइसिस है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि मुझे सुडो सेक्युलर वोट बैंक के पीछे जाना है। अब महाराष्ट्र के हिंदुओं को क्या कहेंगे? देखिए, हर वक्त मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है, मगर रिपब्लिक नेटवर्क थोड़ा अलग है, हम हिंदू वोट के बारे में भी बोलते हैं और मैंने तो अपने प्रोग्राम में कहा कि इस बार मुझे लग रहा है कि 2024 के चुनाव में हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगी।
अब उस पर मैं चाहता हूं थोड़े डिटेल में आप कहे, महाराष्ट्र के हिंदुओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक डिबेट चल रही है जो चैनल कह रहे हैं कि भैया ये राम मंदिर बहुत जल्दी हो गया, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मार्च में होती तो लोगों को याद रहता कि बीजेपी हिंदुओं के हित की एक पार्टी है, मगर कह रहे कि अभी लोग भूल गए। तो ये दोनों मुद्दों पर मैं चाहूंगा आप कहें, महाराष्ट्र के हिंदुओं को आप क्या कहना चाहेंगे और ये जो राम मंदिर को लेके कहते हैं इस पर आपका क्या जवाब है? पहली बात तो जहां तक राम मंदिर का सवाल है, ये हमारे आस्था का प्रश्न है। जन जन के मन में राम है, राम को कोई भुला नहीं सकता, इसलिए मैं ये नहीं मानता कि वोटों के लिए या राजनीति के लिए हमने इसका उपयोग किया है। लेकिन ये ज़रूर है लोग मन में ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये लोगों के मन में है। और जहाँ तक आपने उद्धव ठाकरे जी की बात कही है या जो सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, मैं वोटर्स को यही कहना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी आज रोज कह रही है मोदी जी को हराने के लिए वोट का जिहाद कीजिए, वोट के जिहाद की बात चल रही है। मैं सभी देशभक्तों को कहना चाहता हूँ, मोदी जी को चुनकर लाने के लिए आप अपने वोट का यज्ञ कीजिए और उस वोटों के यज्ञ में अपने वोट की संविदा दीजिए और इस देश को मजबूत बनाइए। ये बड़ी बात आपने कही, ये तो बहुत कोटेबल कोट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो पहली बार एक नए शब्द एक नए फ्रेज का उल्लेख किया गया है। ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे लोग वोटों की जिहाद की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वोटों की यज्ञ कीजिए, और ये उन्होंने कहा जब मैंने उनको सवाल पूछा कि महाराष्ट्र के हिंदुओं को क्या करना चाहिए। तो इस पर जरा विस्तृत तौर से कहें, ये वोटों की यज्ञ की बात क्या होती है, किस चीज का यज्ञ? आप क्यों नहीं कहते वोटों की तपस्या कीजिए, वोटों के लिए संघर्ष कीजिए, आप वोटों की यज्ञ के बारे में क्यों कह रहे हैं? देखिए हम मतदान कहते हैं, दान पवित्र होता है और यज्ञ भी पवित्र होता है, और यज्ञ में जो संविदा जाली जाती है वो अपना समर्पण होता है जी। और जब देश में मोदी जी जैसा नेता एक मजबूत भारत तैयार कर रहे हैं, जिस समय भारत एक नई ऊंचाई की ओर जा रहा है, विकसित भारत की ओर भारत अग्रसर है, गरीब कल्याण का एजेंडा भारत के गरीबों के वजूद को एक नई व्याख्या दे रहा है, ऐसे समय हर व्यक्ति का ये काम है वो अपनी तरफ से भी कोई समर्पण करे। और वो समर्पण हम कौन सा कर सकते हैं? तो अपने वोट का समर्पण कर सकते हैं। इसलिए ये जो लोकतंत्र का यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में संविदा डालने का हर व्यक्ति को मौका मिल रहा है। हम सब लोग हमारी संविदा ये मोदी जी के प्रति अगर उस यज्ञ में डाले तो विकसित भारत का सपना मोदी जी पूरा करके दिखाएंगे। फडणवीस जी, आखिरी सवाल इस इंटरव्यू में, एक हमें लगता है कि थोड़े लो प्रोफाइल हो गए देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्तर पर, क्या ये डेलिबरेट है? राष्ट्रीय स्तर पर आपको लेके हमेशा चर्चा होती रहती थी, अब थोड़ा लग रहा है कि पिछले 6-7 महीनों में डेलिबरेटली लो प्रोफाइल हो गए क्या देवेंद्र फडणवीस, और वो उनकी मंशा क्या है इसके बाद? तो पॉलिटिकली करें, एक रिप्लाई ना दे, क्योंकि आपने सैक्रिफाइस की है, आपको पार्टी ने कहा आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर एक क्यूरियोसिटी है लोगों की कि आप कहां जा रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग है? नहीं, पहली बात तो इस चुनाव में मैंने पार्टी को यह कहा था कि महाराष्ट्र में जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाता मैं महाराष्ट्र के बाहर नहीं जा पाऊंगा। चुनाव शुरू होने से पहले मुझे जहां जहां भेजा, मैं देश के कई राज्यों में गया, सभाएं भी की, इससे पहले विधानसभाओं में भी मैं सब जगह गया, लेकिन इस बार मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुझे महाराष्ट्र में बहुत फोकस करना है, इसलिए मैं महाराष्ट्र में रहा। तो ऐसा कोई मैं लो प्रोफाइल बन गया वगैरह ऐसी बात नहीं है, और इस चुनाव के बाद भी मैं अपने आप को महाराष्ट्र में ही देखता हूँ। हमारे यहाँ तो पार्टी निर्णय करती है कहाँ जाना है, लेकिन
मैं पार्टी को जितना जानता हूँ और जो वर्तमान परिस्थिति को जिस प्रकार से मैं उसका आकलन करता हूँ, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में और कुछ समय तक मेरी ज़रूरत है और मैं महाराष्ट्र में काम करूँगा। जी जी नहीं, आप काफ़ी यंग लीडर है, बहुत लॉन्ग फ्यूचर है आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खुलकर बात कही और वोटों की यज्ञ की जो बात कही है, मुझे लगता है वो ज़रूर वायरल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।